आ जाओ रुसी की, मेरे को ध्यान ही नहीं सुनाई नहीं देता कल पागल फोटो थोड़ी खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बन रही, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए, कुछ सावन के बारे में बोलिए कुछ। सावन का महीना है आज, सबसे बढ़िया वन सोमवार है आज। हम लोग भोजन करेंगे, पूजा करेंगे, भजन करेंगे। और सबसे फेवरेट फेवरेट भगवान कौन से हैं? नहीं, फेवरेट भगवान कौन से हैं? विष्णु और शिव जी में से क्या है? शिव जी है, रीजन हमने अपने शिव ही नहीं, सबसे सबसे पुरातन वही है, आदि अंत नहीं है उनका, कोई अनंत है, अनंत है, अनंत है। विष्णु तो सागर से निकले हैं, अनंत है, शिव है, शिव में है, अनंत है उनका, उनका आदि अनंत है। भोले भंडारी जरा सी पूजा से प्रसन्न होने वाले हैं, और ऐसे ऐसे प्रसाद खाते हैं जो कोई नहीं खाता दुनिया में, सब उपेक्षित चीजें सब नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, खत्म होती है। चंद्रमा मजबूत होता है पूजा करने से, चंद्रमा मजबूत है तो नेचर अच्छा, मन अच्छा, स्वभाव अच्छा, सब कुछ बढ़िया, सबको प्यार करना, बस सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ तो बहुत बढ़िया चीज है मतलब। और माँ पार्वती, सब सारे रूप माता के ही हैं, सब जगह पार्वती माता ही है, सब वही है, उन्हीं के रूप है, सब देवियाँ सब उनसे निकली है। आपने गेटेश्वर का कभी लिया है? नहीं, गेटेश्वर में शिव परिवार के साथ दुर्गा मैया बैठी है, बात सही है, रूप वही है, लेकिन पार्वती जी शेर पे नहीं बैठती है, दुर्गा जी, दुर्गा जी वो सौम्य रूप है, लेकिन देवियाँ जो है ना भाई, रूप है, नौ रूप जो देवी सब पार्वती से निकले, सब देवी कह रहे, मतलब कुल देवी भी है ना, वो भी पार्वती के ही रूप है, घर में हमारे कुल देवी होती है, माता होती है, सब पार्वती है, मतलब सब जगह वही है, बस सब जगह शिव परिवार है, सब जगह वही है। लेकिन पार्वती को आप कभी शेर, हम तो जब से बहुत छोटे थे, 5 साल की उम्र समझ लो, हम तब से जल चढ़ा रहे हैं शिव जी, और पूरा साल सावन नहाते हैं। इस बार आज की जनरेशन को क्या बोलेंगे जो मंदिर मंदिर के नाम से मदिरा की तरफ भाग रही है आज की जनरेशन, हमारे लिए क्या बोलेंगे? सारे बच्चे मंदिर आते हैं, जल चढ़ाए, नेगेटिविटी खत्म करें, जल चढ़ा दे, हाथ जोड़ ले, केवल हाथ जोड़ के जल चढ़ा के। आज के बच्चों को ये चीज करनी चाहिए, मतलब नहीं, हमारे बच्चे, हमारे घर के बच्चे तो करते हैं, जैसे आपके बच्चे संस्कारी पर, ऐसे बहुत से बच्चे जो भटके हुए हैं, उनके माता पिता भी सही राह पे नहीं है, बच्चे भी गलत हैं, बच्चे आजकल ऐसे ही हैं, हम हर बच्चे से बोलेंगे, हम हर बच्चे से यही बोलना चाहिए। तो आप मैसेज क्या देंगे यूथ को? मैसेज यही देंगे कि जैसे सारे बच्चे भोले भंडारी के भक्त बने, भोले भंडारी उन पर कृपा करेंगे, उनकी आगे उन्नति होगी, इसीलिए वो भोले भंडारी को जल जरूर चढ़ाए, उनकी नेगेटिविटी खत्म होगी और पॉजिटिविटी। अच्छा, अभी बीच में ये मुद्दा भी उठा था कि शिव जी को दूध ना चढ़ाएं और गरीबों में बांटें, इस बारे में क्या बोलेंगे? वो गलत है, क्योंकि शिव जी के जो दूध चढ़ता है वो उसका भी साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिक है, उन्होंने साइंटिफिक रीजन दिया, इसीलिए उन पे दूध चढ़ाया जाता है। अभी भी इसलिए भी नहीं, नीचे बर्तन रखा, उसके नीचे चढ़ने के बाद वो गरीब, नहीं वो भी जमीन में जो दूध नहीं, और गरीब गरीब को देना, गरीब को देना एक अलग विषय है, अलग है, यहाँ चढ़ाते हुए भी गरीब को दे सकते हैं, कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप अपने घर से पीने में से दो, अगर आपको अगर आपको दान करना है, हम अपनी एक चाय कम कर दें, हम एक की जगह आधा गिलास कर दें, वहाँ तक ठीक है। हर बच्चे, हर बच्चे, बच्चे सब मंदिर में जल चढ़ाएं, बहुत अच्छा है, नहीं तो हाथ जोड़ने, हाथ जोड़ने जोड़ेंगे तो हाथ जोड़ने से अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, बिल्कुल दूध में ऐसी पॉजिटिव शक्ति है। दूध तो शंकर जी को चढ़ाना ही है, जो शंकर है वो तो जमीन में जो जा रहा है उस जमीन को अच्छा बना रहा है, बंजर दूर कर रहा है, उसकी जो बंजरता है ना उसको हटाता है। और कितना चढ़ाते हैं दूध, थोड़ा सा चढ़ाते हैं, जितने भी अपने मतलब पूजा पाठ है सब साइंटिफिक है, उसमें अंधविश्वास कुछ नहीं है, पीछे पूरा विज्ञान है। वहाँ पे शिव जी का शिवलिंग था केवल, वहाँ पे पुष्प और ये सब मिलते हैं, मिलते आज हैं, भी मिलते हैं, मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल पूरा मतलब शिवलिंग, बिल्कुल हमने ताले लगा दिए थे, बिल्कुल मौजूद वहाँ पे मिला, पूजा हुई है, सिंदूर मिला है, सब कुछ मिला है, सावन का महीना वैसे ही तो है ना, बिल्कुल है, बोले तो है ही, बोला तो हर जगह है, हर जगह है, वो तो चेष्टी की रचयिता है, बम बम बोले, सब कुछ वही है। चलिए इसी बात पे बोलते हैं, हर हर महादेव।